दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, और ऐसा कहें तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा की बात नहीं होगी कि संघर्ष का नाम ही जीवन है। हम सोचते हैं कल खुशी आएगी, लेकिन खुशी हमें जो भी है उसी में माननी होती है, उसी का नाम खुशी हो सकती है। नहीं तो इस संसार में कोई खुशी देना नहीं चाहता, आपसे हर कोई खुशी पाना चाहता है मित्रों। लेकिन हमारे जीवन में जो कल होने वाला है उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं, सपनों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जान सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि जो भी हमारे भविष्य की घटनाएं होने वाली हैं उन्हीं के अनुसार हमें पहले से स्वप्न आते हैं। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपना अपना एक अलग मतलब लेकर आता है, और जानते हैं जैसा कि सपने में तो कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर स्वप्न में आपने अमरूद देखा है तो उसका क्या फल हो सकता है। वैसे तो मित्रों, अमरूद पेट के लिए रामबाण औषधि है। आप ज़्यादा पका नहीं, अधपका अगर अमरूद का फल खाते हैं आप भोजन के बाद काले नमक के साथ, तो दोस्तों आपके पेट की जितनी बीमारियां हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, और बहुत सस्ता मिलता है। अमरूद एक ऐसा फल है जो महंगा ज़्यादा नहीं मिलता, सभी फलों से लगभग सस्ता है अमरूद का फल। तो दोस्तों, आप भी अमरूद का फल अपने डाइट में शामिल करिए, और अगर पेट सही है तो सब कुछ सही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर स्वप्न में अमरूद आ जाए तो उसका क्या फल हो सकता है। दोस्तों, अगर स्वप्न में अमरूद आए तो ये बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है। जी हाँ, धन पाने की अभिलाषा तो सभी को होती है, चाहे अमरूद रखा हो कहीं, चाहे पेड़ में लगा हो, चाहे खाते हुए। किसी भी तरह से अगर स्वप्न में आपने अमरूद को देखा है तो दोस्तों ये आपके जीवन में धन आगमन का सूचक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये रहा स्वप्न में अमरूद देखने का शुभाशुभ फल, और ऐसी ढेर सारी जानकारी सपनों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे आप तक हर समाचार, हर जानकारी सपनों की पहुँच सके। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।